धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, ये करना पड़ रहा है तुम्हें पैसे कमाने के लिए, कर्म करो, ये करना पड़ रहा है तुमको पैसे कमाने के लिए, इतना गंदा काम करना पड़ रहा है तुम्हें पैसे कमाने के लिए, किसी बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो जो पड़ा, सफर तय करना है उसमें कितनी मेहनत लगेगी, फिर अपने आप से पूछो क्या तुम वो मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्या तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो। पता है ये दो दो तीन तीन हजार रुपए में जो तुमको एजुकेशन मिल गई है ना, इसी कारण से दिक्कत हो गई है, क्योंकि अब वो बच्चा भी तैयारी कर रहा है जो सही में इस लायक है ही नहीं कि वो तैयारी करे। कहीं बच्चा ऐसा भी हो जाता है, ऐसा बच्चा भी होता है जो इस लायक होता ही नहीं है कि तैयारी करे, इस लायक भी नहीं, तो ऐसा बच्चा भी तैयारी करने बैठ जाता है जोश जोश में। बेटा पहले अपने आप को रीवैल्यूएट करो, थोड़ा मनन चिंतन करो कि तुम कहाँ हो, कहाँ जाना है, कितनी मेहनत लगेगी वहाँ तक जाने में, तुम अभी कहाँ बैठे हो और तुम्हें कहाँ तक का सफ़र तय करना है उसमें कितनी मेहनत लगेगी, फिर अपने आप से पूछो क्या तुम वो मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्या तुम अपना 100% देने के लिए तैयार हो, तब तो मैदान में कूदो, और नहीं तो फिर दूर रहो, नहीं तो फिर दूर रहो। तो सस्ती एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, इसमें वह बच्चा भी तैयारी करने बैठ जाता है जो शायद इतना मेहनत करने के लिए कभी तैयार था ही नहीं, वो बच्चा भी आकर बैठ गया, क्यों 3000 ही तो लग रहे थे, बैठ गए जाकर। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसमें पढ़ाई में कितना मेहनत लगेगा, क्या मैं वो देने को तैयार हूं, 3000 देने को तू तैयार था, लेकिन क्या उतनी मेहनत करने को तैयार था तू? नहीं सर, हमें तो मुफ्त में ही IITN बनवा दो सर, हमारी शकल बहुत अच्छी है सर, कद्दू जैसी शकल है सर, बैंगन जैसा हमारे कान है सर, हमें तो सर IITN बनवा दो बस, मेहनत नहीं करेंगे सर, मुफ्त में पहुंचवा दो सर, बिना मेहनत किए सर। हद है यार, मतलब हद है भाई, तो भग जाओ तुम यहां से, नहीं पढ़ना तो भग जाओ यहां से, तो तुम्हारे घर गए थे आ जाओ पढ़ लो, हम तुम्हारे घर गए थे क्या? नहीं गए थे ना, खत्म बात, तुम आए थे ना पढ़ने, नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो, जरूरी है, डॉक्टर ने कहा कि IITN बनना है, क्या IITN नहीं बना तो कुछ क्या हो जाएगा, कम कमा लेना, नहीं सर कमाएंगे तो हम लाखों में ही सर, IITN भी बनेंगे वो भी बिना मेहनत के, तो बन ले तू सच में यार, तुमसे अच्छे तो 11th वाले हैं यार, तुमसे अच्छे तो 11th के बच्चे होते हैं, 11th के बच्चे, उन्हें पता होता है कि हाँ हमें कुछ करना है शुरू से, पता नहीं कहाँ कहाँ से करे। और अगर तुम स्पैमर हो, अगर तुम स्पैमर हो और किसी से पैसे लेकर ऐसा कर रहे हो, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, ये करना पड़ रहा है तुम्हें पैसे कमाने के लिए, शर्म करो, ये करना पड़ रहा है तुमको पैसे कमाने के लिए, इतना गंदा काम करना पड़ रहा है तुम्हें पैसे कमाने के लिए, किसी बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हो जो पढ़ना चाहता है उसको नहीं पढ़ने देना चाहते, शर्म करो, ऐसा पैसा तुम्हें फलेगा नहीं, घर में किसी ना किसी को कुछ हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा सारा पैसा, कमा लो पैसा ऐसा करके। कई लोग सोचते होंगे सर नखरे हैं सर आप, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता, क्यों ना हूं भाई, मैंने पढ़ाई की है, मेहनत की है जीवन में, एक ओहदे तक पहुंचा हूं, तो कुछ रिस्पेक्ट की जरूरत होती है टीचर को,